वीकेंड के वार को कहते हैं वीकेंड का वॉर। जी हाँ, वॉर यानी कि जब झगड़ा होता है, युद्ध होता है, उसे हम वॉर कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरी खबर, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क के द्वारा पूरी की पूरी जो बातें हैं सलमान खान बता देते हैं। उसके बाद सोमवार को हो जाता है एविक्शन। जी हाँ, एविक्शन, नॉमिनेशन राउंड, ये सब रविवार सोमवार का खेल है। ऐसे में वीकेंड के वार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आप शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर अब तीन लोग जो हैं वो बॉटम थ्री जो कंटेस्टेंट कहते हैं ना, बॉटम थ्री कंटेस्टेंट में है। कौन है? अली गोनी है, पवित्र पुनिया है और हमारे अभिनव शुक्ला है। तीनों जो है वो बॉटम थ्री कंटेस्टेंट्स है। अब कहना ये है कि इन तीनों में से कौन होगा एविक्ट, यानी कि कौन जाएगा बाहर। आपको क्या लगता है दोस्तों? अली गोनी जो अपने टास्क से काफ़ी ज़्यादा सबको मन मोह लेता है सबका, और दोस्ती में वो एक गेम खेल लेता है, राहुल रेड्डी के साथ में भी उसने एक गेम खेली थी। अब अगर मैं बात करूँ आपको अभिनव शुक्ला, अभिनव शुक्ला शातिर भी है, शांत भी है। अगर मैं पवित्र पुनिया की बात करूँ तो पवित्र पुनिया भी शातिर है और शांत बिल्कुल नहीं है। पवित्र पुनिया ने पहले राहुल वैद्य के साथ में प्यार का खेल खेला, उसके बाद एजाज खान के साथ प्यार का खेल खेला। आपको याद होगा जो गुब्बारे फोड़े थे एजाज खान के बाद में, एजाज खान नाराज़ हो गया था। हालांकि कविता कौशिक उनसे ज़्यादा अच्छी है कि वो तो चेहरे पर भी सेम रहती है जो दिल में रखती है, लेकिन पवित्र पुनिया दिल में कुछ और, चेहरे पर कुछ और, चेहरे पर मीठी छुरी। जी हाँ, चेहरे पर अच्छाई रखकर दिल में बुराई रखकर उसका पीछे से ख़राब करने वाला इंसान मीठी छुरी कहलाता है। पवित्र पुनिया उसमें से है। लेकिन आप बताएं, अली गोनी, अभिनव शुक्ला और पवित्र पुनिया, तीनों बॉटम थ्री कंटेस्टेंट्स में से कौन होगा एविक, कौन जाएगा घर के बाहर, जब आप देखेंगे आज रात को बिग बॉस सीजन 14 और रात 10:30 बजे देखना ना भूले कलर्स चैनल पर। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।